नमस्कार दोस्तों, मैं वरलक्ष्मी सुनील कुशवाहा। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और मेरे के एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुका हूं, मैं वरलक्ष्मी की पढ़ाई तैयारी नहीं कर पा रहा। दोस्तों देखिए, मोटिवेशन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप खुद आपको मोटिवेटर होना पड़ेगा, दूसरा कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो कोई मोटिवेट करने का जो काम है वो मैं करता हूँ अपने चैनल पर हमेशा। आज नहीं, मैं दोस्तों हमेशा करता हूँ स्टूडेंट को मोटिवेट करने का काम। और आज भी ऊपर की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं आपका काम करता रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आप मुझे देखते हो, कुछ मानते हो मुझे। इसलिए सबसे पहले चीज़ दोस्तों, आप डिमोटिवेट होते क्यों हो? डिमोटिवेट मैं आपको ये बताता हूँ, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार, ये आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ये आपके घर आएंगे, घर आके चाय पियेंगे और आप भी इनके लिए पानी लेके आओगे और बात करेंगे, अरे आपके बेटा नौकरी नहीं लगी, फलाने बच्चे की तो जॉब लग गई है, फलाना बच्चा तो वहाँ नौकरी कर रहा है, फलाना बच्चा तो ये कर रहा है, वो तो उसने UPSC निकाल दिया, उसने MBBS प्री निकाल दिया और आप फर्स्ट ग्रेड नहीं निकाल पाए, तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है, ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वो लोग वही होते हैं जो आपके यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, ये वही लोग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। वो आते हैं तो आप हंसिए, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सिंपल से बोल दीजिए तैयारी कर रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो ऊपर वाले की कृपा है। ये मत कहिए कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, इस साल मैं कर लूँगा, उनसे तो ये ऐसा कहिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर सकते तो यही तैयारी कर लो, इसलिए हम सोच रहे तैयारी कर ले। उनको मत बताओ कि आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बताओ मत उनको कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो घर बैठे हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे आपको ऐसे बचना है। दूसरी चीज़ ये कि पढ़ाई, अब आपको पढ़ाई करनी क्यों है? देखिए, आप यदि कोई पेपर तैयारी कर रहे हो तो आपको क्यों करनी है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके लिए होती है, वैल्यूएबल होती है, वो है पैसा। यदि पैसा होगा तो ही कल आपके पड़ोस में शादी होगी तो आपको बुलाया जाएगा। यदि आपकी जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको पड़ोस में भी शादी होगी, आपको नहीं बुलाया जाएगा। बता रहा हूँ, इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ है भाई। पैसे के बिना आपकी जीवन नहीं चलेगा, पैसे के बिना, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ है कि आपको पैसे की बहुत आवश्यकता है लाइफ में, सबको होती है, तो आपको पैसे के लिए पढ़ना है पहली चीज़। तो नहीं होगा तो कुछ नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है तो। सेकंड मोटिवेशन वाली चीज़ दोस्तों, आप ये सोचिए कि यदि आपने अभी तक 12वीं क्लास तक तैयारी करी, यदि आप एक साल तक और नहीं पढ़ोगे तो आपकी ये इतना, आप एक क्लास कच्चा एक से आपका मम्मी पापा आपको स्कूल भेज रहे हैं, कोई मतलब की नहीं है। जब कोई जॉब नहीं लगी, आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपकी पढ़ाई अभी तक की 15-20 साल की पढ़ाई कोई मतलब की नहीं है। इसीलिए अपने पेरेंट्स के देखिए कि कहीं वो छाती टोक के कह सके कि देखो मेरा लड़का जॉब कर रहा है, मेरा लड़का सरकारी नौकरी। कल आप भी छाती टोक के कह सको कि देखिए मैं कुछ कर सकता हूँ। आपके पड़ोसियों को आपको जवाब देना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ये कि सर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? देखिए, आप दो चीज़ें अपनाइए, आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ पढ़ने की हैबिट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि आप 10 दिन लगातार पढ़ लोगे, जब आप 10 दिन लगातार 5-5 घंटे पढ़ोगे और फिर जब आप 11 बजे नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने आज जीवन में कुछ मिस कर दिया है, कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया है। और सेम उल्टी चीज़ यदि आप 10 दिन लगातार पढ़ते हो, फिर आप सॉरी यदि 10 दिन लगातार नहीं पढ़ते हो 10 दिन लगातार, और फिर आप एक दिन किताब उठा के देखो, तो आपको वो किताब आधा घंटे पढ़ लोगे, सोचोगे कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मैं UPSC निकाल दूंगा। इसीलिए पढ़ने की आप हैबिट डालिए। आपको पढ़ने मन क्यों लगता है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई चालू करोगे आपके मैं पढ़ाई में मन लगने लगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पढ़ना क्यों है? आपको अपने पापा के लिए पढ़ना है, आपको अपनी फैमिली के लिए पढ़ना है, आपको अपने पड़ोसियों का मुंह बंद करने के लिए पढ़ना है, और आपको अपने जो रिश्तेदार उनका मुंह बंद करने के पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद के लिए पढ़ना है, आप कुछ कर पाओगे यदि आप पढ़ोगे तो। तो आप डेली क्या करना है, आपको डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। जैसे आज मैंने आधा घंटे पढ़ा, कल आपने, ठीक है, आप पढ़ना क्या है आपको, आधे घंटे पढ़ लिया, आपको टाइम बढ़ाते चलना है। आज मैं आधा घंटे पढ़ा, कल मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, परसों 1.5 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 2 घंटे पढ़ूंगा, 3.5-4 घंटे ऐसे मैं पढ़ूंगा, तो आपकी हैबिट पढ़ने। आप सोचो कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप यदि धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाओगे पढ़ाई का, तो आप पढ़ पाओगे। तो आपको अपनी पढ़ाई ना वो ग्रेजुअली आपको ऊपर करनी है, एकदम से आपको नहीं पढ़ना 10-10 घंटे एकदम से आप नहीं पढ़ पाओगे। पहले आप 1 घंटे की पढ़ने की हैबिट डालिए, फिर आप 4 घंटे की, फिर आप 6 घंटे की, फिर आप 10 घंटे की, ऐसा आपको करना होगा, फिर आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा, पहली चीज़। दूसरी ये कि आपको किसी भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है, आपको रेगुलर अपनी किताब के साथ रहना है। आप कहीं जा रहे हो, कोशिश करिए कि सुबह उठने के बाद आप 1 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटे आने के बाद 2 घंटे पढ़ लीजिए, 3 घंटे आप दिन में कम से कम पढ़ो यदि आप कहीं जा रहे हो तो, और नहीं जा रहे हो तो आप जो
जो आपने जो टारगेट सेलेक्ट किया है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक जो अपना व्हाट्सअप है वो आपको डिस्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा, आपकी फेसबुक आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप फेसबुक के नोटिफिकेशन म्यूट करके रखना है, नोटिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए, आप जब उसको खोलो तभी आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो वो आपको करना है। और एक लास्ट चीज़ दोस्तों, आप कोई भी जो से मैं थोड़ा सा मैं रियलिटी में विश्वास करता हूँ, मुझे छुपाने की आदत नहीं है। यदि किसी लड़की की बॉयफ्रेंड है, किसी लड़के का गर्लफ्रेंड है, किसी लड़की की गर्लफ्रेंड है, तो वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, मैं मानता हूँ। आप उससे बोल दीजिए कि मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मैं कुछ कर पाऊंगा तो तू मेरे पास रहेगी या रहेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कल तुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, आप उससे बोल दीजिए कि आधा एक घंटे आप मुझे बात कर, जो आधा घंटे जो भी आप मुझे बात करिए, उसके बाद में आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप म्यूट रहता है, जब भी मैं उसको खोलूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। फालतू का दिन भर आपको मोबाइल से चिपकने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपका दिन भर वही दिमाग में रखी रहेगी या रखी रहेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो आपको रेगुलर आपको कंटिन्यूसली आपको स्टडी करते रहना होगा। और अगर आपको फिर भी मन नहीं लग रहा है तो आपको पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको हिंदी अच्छी लगती है, आप हिंदी उठा के पढ़िए, आपको मैथ अच्छा लगता है, आप मैथ सबसे पहले पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, धीरे धीरे आप अखबार पढ़िए, उससे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है अखबार पढ़ने में। जैसे आपकी पढ़ने की हैबिट बनेगी, आपका दोस्तों पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो जो स्टूडेंट कह रहे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा खुद के बारे में समझिए, खुद के पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं ये बात सच मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं ये मानता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। कल आपकी जॉब नहीं होगी तो आपका पड़ोस की शादी में आपको नहीं बुलाएगा, आपके रिश्तेदार आप कॉल भी नहीं करेंगे कि मेरे यहाँ शादी है। कुछ आपके पास होगा, नौकरी होगी तो आपके पड़ोसी आपको पूछेंगे, शादी छोड़ो पड़ोसी की सगाई होगी तो भी बुलाएंगे, अरे आइए भैया सुनील मेरे यहाँ सगाई है तो आ जाना यार, वो लड़की वाले आ रहे हैं, बुलाएंगे रिश्तेदार आपको बुलाएंगे, भैया हमें शादी आ जाना। और जॉब नहीं है तो वो सब आपको भूल जाएंगे, ताने मारने लगेंगे। इसलिए खुद के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपनी फैमिली के लिए पढ़िए, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों का मुंह बंद करने के लिए पढ़िए, ठीक है, और आप जिससे शादी करने वाले हो उसके लिए पढ़िए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।